आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, आज गिरावट क्यों आई है। पिछले 3 दिनों से काफी अच्छा जंप दिखाया था, आज भी पॉजिटिव खुला पर वहां से फिर नीचे गिरा है। यहां पर क्लैरिटी के डिले की वजह से प्राइमरी रीजन है। हम अभी भी वोडाफोन आइडिया में नेट प्रॉफिटेबल है। हमने काफी लोअर लेवल पर ट्रायंगल पैटर्न इंप्लीमेंट करके काफी क्वांटिटी उठाई है, बट मेक श्योर 5% की लिमिट रखिए अपनी पोर्टफोलियो के साइज के लिए। तो लैक ऑफ क्लैरिटी इज अ प्राइमरी रीजन। देखिए, अगर हम कुछ की पॉइंट्स आपको समझाएं तो इनके पास में 180,000 करोड़ का डेप्ट है, जिसमें से अकॉर्डिंगली पिछले साल का फाइनेंशियल का अगर लॉस का बात करें तो 74,000 करोड़ का अप्रॉक्सिमेटली लॉस है। और साथ ही साथ में रेवेन्यू लॉस नहीं, कस्टमर भी लॉस हो रहे हैं। करीब करीब 50 मिलियन कस्टमर लॉस हुए हैं, जो कि अगर बात करें तो इनका 20% के आसपास कस्टमर लॉस है। अब यहां पर सपोर्ट जो मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, और साथ ही साथ में जो एजीआर ड्यू की रिकैलकुलेशन है, देखते हैं गवर्नमेंट किस तरह का पैकेज लेके आती है वोडाफोन आइडिया प्लस टेलीकॉम सेक्टर में। अगर किसी वजह से वोडाफोन आइडिया बंद हुआ तो यहां पर चैलेंजेस होंगे, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट को खुद की 5G की ऑक्शन की बहुत दिक्कत होगी। तो यह चीज गवर्नमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगी अगर ये होता है। डेप्ट इक्विटी का प्लान है, जो कि गुड ऑप्शन है, जो कि बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस तरह से इक्विटी बढ़ा दी जाएगी तो डेप्ट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और वो रेफरेंस करेगा आगे चलकर प्रॉफिटेबिलिटी। चैनल का फैब एफएफ रूल। अब यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर और वोडाफोन आइडिया के बीच में क्या चल रहा है, हम अब क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है काफी लोगों के साथ में। दोस्तों, सिंपल बात है, अगर आप प्रॉफिट में है तो होल्ड कीजिए, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो नीचे के लेवल पर खरीदिए। अगर आपका एवरेज प्राइस ज्यादा है आज के क्लोजिंग के बेसिस पर, अपना ध्यान रखिए 5% का लिमिटेशन रखिएगा। लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन जैसे ही खत्म होगा, ये स्टॉक वैल्यू बाय है, अभी यहां पर काफी तेजी से ऊपर बढ़ेगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब देखिए, यहां पर गवर्नमेंट का रिलीफ पैकेज की बात चल रही है, प्रोजेक्ट जो हो रहा है यहां पर, इसमें पीएमओ टीम यहां पर इसका पैकेज बनाने की बात कर रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिसमें एजीआर का भी हो सकता है कुछ कैलकुलेशन करे, और रिलीफ पैकेज भी बनेगा जो यहां पर इनको रिवाइव करने की बात करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ड्यूपोल हो यहां पर टेलीकॉम सेक्टर में। एआरपीयू बढ़ाने के लिए फ्लोर प्राइस की रिक्वेस्ट की थी कि फ्लोर प्राइस मिनिमम सेट करें, यह भी सुनने में आ रहा है कि पैकेज उसमें होगा। जियो की जो सेल्स चल रही है, जो लो कॉस्ट मोबाइल फोन दे रहे हैं, वो यहां पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी चैलेंज है, उसका कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया को अगर सर्वाइव करना है। टेक्निकल व्यू देखें तो ये काफी अच्छे लेवल पर इसने जंप दिखाया है। आज भी करीब 94 करोड़ शेयर हैं एक्सचेंज में, जिसमें से 18 करोड़ की डिलीवरी हुई है। सेंसेक्स एक नया कीर्तिमान स्थापित किया 54,380, और अगर आज का भाव देखें तो मॉर्निंग में काफी अच्छा मोमेंटम था, मोमेंटम पॉजिटिव था और काफी टाइम रहा 7.5 रुपए तक, उसके बाद गिरना शुरू किया, मार्केट में भी करेक्शन था और 1 बजे के बाद थोड़ा करेक्टिव मूव दिखाया खत्म, और 7 रुपए तक का ये भाव चला गया है। तो दिन का काफी एक्टिव रहा, किसी को अगर खरीदना तो 6.50 रुपए बहुत अच्छा लेवल है, यहां पर खरीदा होगा, बहुत फायदे में रहे होंगे अभी। और अगर आप इसका वॉल्यूम की दृष्टि से देखें तो यहां पर 2 बिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए थे जब इसने नीचे के लेवल से बाउंस बैक करना शुरू किया था, और आज भी करीब ऑलमोस्ट 1 बिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं। बुलिंजर बैंड के अंदर आ चुका है, हमने कहा था 2 कैंडल बाहर बनना है, ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा इतना। सबसे पहला टारगेट 8.20 रुपए, और अगर इसको क्रॉस करता है 10 रुपए तक ही पहुंच सकता है बहुत जल्दी। एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर अभी सेल सिग्नल है, जब तक ये 8 रुपए क्रॉस नहीं करेगा तब तक सेल सिग्नल रहेगा। और मूविंग एवरेज 20-डे मूविंग एवरेज का वैल्यू 8.10 रुपए, जो कि हमारे हिसाब से बहुत जल्दी तोड़ेगा और यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा आगे चलकर। वोडेक्स इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर रहेगा 1.21, ये जब तक नीचे नहीं आता है तब तक थोड़ा सा चैलेंज बना सकता है, वो क्लेरिफिकेशन के बाद ही होगा। मैकडी ने पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से यहां पर सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ था शुरू में ही। तो ये एक टेक्निकली बहुत लो लेवल पर पहुंच गया था, जो कि वैल्यू बाय के रेफरेंस में भी फेयर वैल्यू के नीचे हिस्से में पहुंच गया था। हमारा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था, आपने खुद भी बाय किया था, और देखिए आज की तारीख में भी हमें अभी प्रॉफिटेबल है ओवरऑल, इवन तो हमारा शुरुआत में 8 रुपए का आसपास, 8.30 रुपए के आसपास एवरेज था। अगर आप 6 हफ्ते पहले हमारी सर्विस लेते तो 2.2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अब तक आपको ये रहा मेल आईडी, आप चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 4 वीडियो पसंद जाएंगे भारत।